दोस्तों, क्या आपने कभी बादाम को बनते देखा है? और किस जगह बनाई जाती हैं आपको पता है? और बादाम की खेती करके कैसे कमा रहे हैं लोग करोड़ों रुपए? और बादाम में ऐसा क्यों मिलाया जाता है जिसकी आपकी कामेच्छा बढ़ती है? दोस्तों, बादाम की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, लेकिन इसकी बढ़ती मांग और समय के साथ साथ बादाम की खेती मैदानी क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक की जाने लगी है। एक सर्वे के अनुसार ही पता चलता है कि आपको जो बादाम मार्केट में देखने को मिलता है उनमें 80% तक बादाम कैलिफोर्निया के होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के ज्यादातर बादाम कड़वे निकलते हैं जिनका इस्तेमाल खाने के लिए नहीं किया जा सकता। ये तो हुई बादाम की बात, अब हम आपको बताते हैं इसका प्रोसेस के बारे में। बादाम को तैयार करने के लिए सबसे पहले उनके बीजों को तैयार किया जाता है। इनका मतलब यह है कि इनके बीजों को पहले एक छोटी सी जगह में लगाया जाता है, फिर इनके बीच में छोटे छोटे पौधे आने लगते हैं और लगभग 1 से 4 महीने का वक्त हो जाता है, तब जाकर इनकी खेतों में उगाया जाता है। खेतों में भी इनकी देखभाल तकरीबन 3 से 4 महीने तो करनी पड़ती है। जब भी पौधे धीरे धीरे बड़े होकर पेड़ का रूप लेना शुरू कर देते हैं, तब इनके ऊपर गुलाबी और सफेद कलर के फूल आने लग जाते हैं और ये फूल सिर्फ स्प्रिंग यानी बसंत के मौसम में ही आते हैं। पेड़ लगने के 2 से 3 साल के लंबे समय बाद इन पेड़ों पर नट्स का आना शुरू हो जाता है। जब ये फल पेड़ों पर अच्छी तरह से पक जाते हैं, तब इन्हें एक हार्वेस्टिंग मशीन की मदद से तोड़ लिया जाता है। अब यहाँ से बागानों का काम खत्म और शुरू होता है फैक्ट्री का प्रोसेस। अब इन तोड़े हुए फलों को आगे के प्रोसेस के लिए ट्रक में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है, जहाँ एक मशीन के जरिए इनके साथ खेतों से आए हुए मलबे को सबसे पहले बाहर निकाला जाता है। इसके बाद इसे अलग मशीन में डाला जाता है, जिसे डेस्टोनर कहा जाता है, जो हवा की मदद से हल्के बादामों को पत्थरों से अलग करती है। अब बादाम रबर, रोलर और बेल्ट के बीच घूमता है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी समय समय पर इनको आकर देखते रहते हैं। बाद में मशीन की सहायता से इनके ऊपर के छिलकों को अलग कर दिया जाता है। अब बारी आती है छंटनी की। फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वर्कर अच्छे बादाम में से उन बादाम को अलग करते हैं जो छोटे या टूटे हुए होते हैं, या फिर कोई छिलका जो रह गया हो वो अगर वर्कर के हाथों से भी कुछ छूट जाता है तो उन्हें रोबोटिक मशीन छांट कर अलग कर देती है। अब शुरू होता है उनके पैकेजिंग का काम। इसके लिए सबसे पहले गत्ते के बॉक्स को मशीन पर रखा जाता है, फिर उनमें बादाम को किलो के हिसाब से तोलकर डाल दिया जाता है। एक तरफ मशीन इन बॉक्स पर गोंद लगाती है और फिर मशीन के बाहर से इन्हें दबाकर अच्छे से पैक कर दिया जाता है। अब इन बॉक्सेस को तैयार होने के बाद मार्केट में सेल करने के लिए भेजा जाता है। वैसे तो बादाम खाने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपको पाचन से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, तो आपको बादाम खाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। मुट्ठी भर बादाम में लगभग 170 ग्राम फाइबर होता है। शरीर को रोजाना सिर्फ 25 से 40 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है, और अगर आप रोज 3 से 4 बादाम खाते हैं तो आपके शरीर में फाइबर की जरूरत को पूरा करता है। बादाम में काफी मात्रा में मैग्नीशियम होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा बादाम बनाने का पूरा प्रोसेस हमें कॉमेंट करके जरूर बताना।